नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब साथियों। जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो वो सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करती हूँ। आपका पहला सवाल है, परीक्षा की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी फिनलैंड या फिर डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ए चीन। आपका दूसरा सवाल है, किस देश में नीली जीन्स पहनने पर पाबंदी है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भारत या फिर डी नॉर्थ कोरिया। आपका सही जवाब होगा डी नॉर्थ कोरिया। आपका अगला तीसरा सवाल है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी मेजर ध्यानचंद, सी विराट कोहली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मेजर ध्यानचंद। आपका अगला चौथा सवाल है, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी चेन्नई या फिर डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ए जम्मू कश्मीर। आपका अगला पांचवा सवाल है, किस फल को पकने में 2 वर्ष लगता है? आपका ऑप्शन है ए पपीता, बी अनानास, सी संतरा या फिर डी कटहल। आपका सही जवाब होगा बी अनानास। आपका अगला छठा सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु 2 गुनी बड़ी दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए उल्लू, बी जिराफ, सी हाथी या फिर डी भालू। आपका सही जवाब होगा सी हाथी को। आपका अगला सातवां सवाल है, भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब राज्य, बी केरल राज्य, सी गुजरात राज्य या फिर डी राजस्थान राज्य। आपका सही जवाब होगा ए पंजाब राज्य। आपका आठवां सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? आपका ऑप्शन है ए भागीरथी नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी या फिर डी ताप्ती नदी। आपका सही जवाब होगा सी यमुना नदी। आपका अगला नवां सवाल है, मोर का जीवन काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 15 वर्ष या फिर डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी 15 वर्ष। आपका अगला दसवां सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी तमिल या फिर डी उर्दू। आपका सही जवाब होगा ए संस्कृत। आपका अगला 11वां सवाल है, अब ये सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका ऑप्शन है ए नाक से, बी आंख से, सी जीभ से या फिर डी
दिल फरोज से। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। अब आ गया दिमाग घुमाने वाला सवाल, गांठ बांधना मुहावरे का सही भावार्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए अत्यंत निकटता, बी द्वेष का स्थायी हो जाना, सी स्थायी रूप से याद रखना, या फिर डी दया भाव न रहना। आपका सही जवाब होगा सी स्थायी रूप से याद रखना। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए।